नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भुलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा सातवीं का इकाई एक, जिसका नाम है बेटी। चलिए विद्यार्थी मित्रों, कविता देखते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, जिसका अर्थ है मैं बेटी हूँ। मैं अपना विकास करूँगी, मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी। बेटी हूँ मैं बेटी। आगे देखते हैं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, जिसका अर्थ है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। बेटी हूँ मैं बेटी। आगे देखते हैं। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, जिसका अर्थ है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। आगे देखते हैं। फूल जैसी सुंदर, मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, जिसका अर्थ है कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैं नाचूंगी और खुश होकर गाने लग जाऊंगी। उसका भावार्थ देखते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी,
तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ, दीकरी छू, हूँ पोतानो विकास जाते करीश, हूँ मारो विकास करी अने बीजानो सहारो बनीश अने तेमने आशरो आपीश, दीकरी छू हूँ दीकरी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। जेवी रीते आकाशमा चांदो चमके छे, तेवी रीते हूँ धरती ऊपर चमकीश, धरती पर चमकीश अने चारे बाजुए पोतानो प्रकाश फैलावीश, दीकरी छू हूँ दीकरी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। वाचीश लखीश अने हूँ मेहनत करीश, मेहनत करीने हूँ आगळ वधीश, हूँ स्वावलंबी बनीश, भणी गणीने हूँ दुनियाना व्यवहारोने जोईश अने समझीश, दीकरी छू हूँ दीकरी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। जेवी रीते बगीचा मा सुंदर फूलो खिले छे, एवी रीते हूँ दुनिया रूपी बगीचा मा खिलीश अने पोताना कार्यो थी जीवन मा सुगंध फैलावीश। जेवी रीते पतंगियु हवा मा उड़े छे, तेवी रीते हूँ पण झड़पथी प्रगति करीने पोताने मंजिल पर पहुंची जईश, मंजिल पर पहुंचीने मारू दिल नाची उठशे अने हूँ खुश थईने गावा लागीश, दीकरी छू हूँ दीकरी। विद्यार्थी मित्रों, इकाई दो देखते हैं, हम भी बने महान। जिसका पहला है कर्तव्य, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा, मेला में बधा रमकड़ा लई रहया हता, त्यारे नरेंद्र नामना एक छोकराए 2 रुपयानु एक शिवलिंग खरीद्यू, अब भी उसके पास 1 चवन्नी बची थी, हजू पण तेमनी पासे 1 चवन्नी, चवन्नी एटले 25 पैसा, हजी पण तेमनी पासे 1 25 पैसा वध्या हत्या। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, एक छोकरा ने रड़ता जोई अने नरेंद्र ये तेमने पूछू, क्यों रो रहा है, शा माटे रड़ी रह्यो छे, लड़के ने कहा, छोकराए कह्यू, मेरे पास 1 चवन्नी थी कहीं गिर गई, मारी पासे 1 पैसा हता ते क्यांक पड़ी गया छे, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, हवे मने मारी माँ खूबज मारशे, कोई बात नहीं यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया, कई वांधो नहीं आ रहया 25 पैसा, एवू कही नरेंद्र ये पोताना 25 पैसा तेमने आपी दीधा अने ते आगळ वध्यो। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी, हजू नरेंद्र थोड़ोक आगळ वध्यो हतो त्यारे तेमनी सामे
एक मोटर आवता जोई। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक नानो बालक ते मोटर थी बिल्कुल अजाण्या होय तेवी रीते चालीने जई रह्यो हतो। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र ए झड़फथी पेला बालक ने तेमनी पासे खेंची लीधो। एक पल की देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक पळनु पण मोडू थात तो पेलो बालक आ मोटर ने नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। आ झड़पथी खेंचवानी क्रियामा नरेंद्र ना हाथ माथी शिवलिंग पड़ी गयू अने तूटी गयू। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, आ दरमियान एकठा थयेला लोको माथी कोई के कह्यू, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव यानी प्रेम से, बेचारानु नुकसान थई गयू, केटला प्रेम थी तेमने आ शिवलिंग खरीद्यू हतु। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, आ सांभळताज पेला नरेंद्र ए कह्यू, इसे क्या इस बालक के जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र ए तेमने कह्यू, आ नुकसान थयु तेनाथी शुं थयु, आ बाळकनो जीव बचाववो ए मारू पहलू कर्तव्य हतु। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु करता पण व्यक्तिनु जीवन वधारे महत्वपूर्ण छे। मानवता सबसे ऊपर है, मानवता सौथी श्रेष्ठ छे। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालपण थी ज आवा विचार राखनारो नरेंद्र आगळ जई अने स्वामी विवेकानंद ना नाम थी प्रसिद्ध थयो। दूसरा है, नियम सबके लिए है, नियम सौनी माटे एक समान छे। देखते हैं, बात 1885 की है, बात ईस्वीसन 1885 नी छे। पुना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पुना ना न्यू इंग्लिश हाई स्कूल मा एक कार्यक्रम थई रह्यो हतो। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। मुख्य दरवाजा ऊपर एक स्वयं सेवक ने निमणूक करवामा आवी हती। जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। जेमने एवू कर्तव्य सौंपवामां आव्यु हतु के आवनारा मेहमानोने निमंत्रण पत्र जोई अने तेने सभाना स्थल पर योग्य जग्याए बेसाड़ी देवामां आवे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। आ कार्यक्रम ना मुख्य मेहमान हता मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालिंदा पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जेवाज ते शालाना दरवाजा पर पहुंचिया, त्याज स्वयं सेवके तेमने अंदर जता नम्रता पूर्वक रोक्या अने तेमनी पासे निमंत्रण पत्र मांग्यू। बेटा,
मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। रानड़े ये कह्यू के दीकरा मारी पासे तो निमंत्रण पत्र नथी। क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक ने नम्रता पूर्वक उत्तर था। स्वयं सेवके तेमने नम्रता पूर्वक जवाब आप्यो के तो तमे मने माफ करो, तमे अंदर जई शक्शो नहीं। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। दरवाजा पर रानड़े ने जोई स्वागत समिति ना सभ्यो आवी गया अने तेमने स्टेज नी तरफ लई जवानो प्रयत्न करवा लाग्या। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, परंतु स्वयं सेवके आगल आवीने कह्यू, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। रोड़ा अटकाना यानी बाधा डालना। माननीय श्री, जो मारा कार्य मा स्वागत समिति ना सभ्योज बाधा नाखशे तो पछी हूँ मारो कर्तव्य केवी रीते निभावीश। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई पण मेहमान होय तेमनी पासे निमंत्रण पत्र होवुज जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, भेदभाव ने नीति माराथी सहन नहीं थाई। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आ स्वयं सेवक आगळ जई गोपाल कृष्ण गोखले ना नाम थी प्रसिद्ध थया अने देश नी खूबज सेवा करी। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। 14 वर्ष बालक ना क्रिकेट टीम नो कैप्टन ना रूप में एक बालक पोतानी टीम नी साथे क्रिकेट मैच रमवा माटे अहमदाबाद में आव्यो हतो। उसकी टीम 5-स्टार होटल में ठहरी थी। तेमनी टीम 5-स्टार होटल में रोकाई हती। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सवारे उठता ज तेमनी आखी टीम कोच मैनेजर ने साथे सवारनो नास्तो करवा माटे तैयार हती। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था, एकमात्र कैप्टन ज देखाई रह्यो न हतो। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह न मिला। तेमने शोधवा माटे आखी टीम लागी गई परंतु ते क्यांय पण मळ्यो नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। पछी कोई के तेमना ओरडाना गैलरी में जईने जोयु तो ते एक हाथ थी दड़ो फेंकी रह्यो हतो अने जेवो ज दड़ो सामेनी दीवाल ने अथड़ाईने फरी थी तेमनी पासे आवतो हतो तो बीजा हाथ द्वारा ते बेट द्वारा दड़ा साथे रमी रह्यो हतो। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। साथेना खिलाड़ियों टीम में शामिल थवाथी संतोषकारक हता। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा, परंतु ते कैप्टन होवा छता पण आखी रात पोतानी रीते प्रैक्टिस करतो रह्यो। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तेमनो क्रिकेट प्रत्येनो लगाव जोई कोच मैनेजर अने
તેમના સાથેના ખેલાડી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. આગે ચલકર ઇસી લડકેને ક્રિકેટ જગત મેં અદ્વિતીય સફળતા પ્રાપ્ત કી. આગળ જઈ ક્રિકેટની દુનિયામાં આ બાળકે અદ્ભુત સફળતા મેળવી. કઈ વિશ્વ રેકોર્ડ ઉસકે કદમ ચૂમને લગે, કેટલા બધા વિશ્વ રેકોર્ડ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યા. કિસીને ઉસકી સફળતા કા રહસ્ય પૂછા તો બડી વિનમ્રતા સે ઉસને ઉત્તર દિયા કે કોઈકે તેમની સફળતાનું કારણ પૂછ્યું તો ખૂબ જ નમ્રતાપૂર્વક તેમણે જવાબ આપ્યો કે મેં હર મેચ 3 વાર ખેલતા હું. હું બધી જ મેચ 3 વાર રમું છું. પહેલે અભ્યાસ કે રૂપ મેં, દૂસરી વાર સચમુચ મેદાન મેં, તથાપી મેચ કે બાદ મૂલ્યાંકન ઓર સુધાર આવશ્યકતા કે રૂપ મેં. હું પહેલી વાર અભ્યાસના રૂપમાં, બીજી વાર સાચે જ મેદાનમાં અને ત્રીજી વાર મારા મૂલ્યાંકન અને સુધારાના રૂપમાં રમું છું. યહ લડકા કોઈ ઓર નહીં, ક્રિકેટ કી દુનિયા મેં સફળતા કે નીત નયે કીર્તિમાન સ્થાપિત કરને વાલા હમારા સચિન રમેશ તેંડુલકર હૈ. આ બાળક બીજું કોઈ નહીં, ક્રિકેટની દુનિયામાં સફળતા મેળવનાર આપણો સચિન રમેશ તેંડુલકર છે. સચમુચ એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ, કઠોર પરિશ્રમ એવમ લગન હી સફળતા કે આધાર હૈ. સાચે જ એકાગ્રતા, સતત અભ્યાસ અને ખૂબ જ મહેનત એ સફળતાના આધારસ્તંભો છે. પ્રામાણિકતા. એક દિન હજરત અલી ખજાને કી જાંચ કરને ગયે. એક દિવસ હજરત અલી રાજ્યના ખજાનાની તપાસ કરવા ગયા. કામ કરતે કરતે અંધેરા હો ગયા. કામ કરતા કરતા અંધારું થઈ ગયું. મોમબત્તી જલાઈ ગઈ. મીણબત્તી સળગાવવામાં આવી. થોડી દેર બાદ દો સરદાર અપને નિજી કામ કે લીએ ઉનકે પાસ આયે. થોડી જ વારમાં બે સરદારો પોતાના વ્યક્તિગત કામ માટે તેમની પાસે આવ્યા. હજરત અલીને ઉન્હે બેઠને કે લીએ કહા. હજરત અલીએ તેમને બેસવા માટે કહ્યું. હિસાબ કી જાંચ પડતાલ પૂરી હુઈ. હિસાબની તપાસ પણ પૂરી થઈ. હજરતને મોમબત્તી બુઝા દી ઓર મેજ કે ખાને મેં સે દૂસરી મોમબત્તી નિકાલ કર જલા લી. હજરત અલીએ મીણબત્તી બુઝાવી દીધી અને ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢીને સળગાવી. સરદારો કો યહ દેખકર બડા આશ્ચર્ય હુઆ. સરદારોએ આ જોઈ અને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. હજરત અલીને એક મોમબત્તી બુઝાકર દૂસરી ક્યો જલાઈ યહ સરદાર સમજ ન શકે. હજરત અલીએ એક મીણબત્તી બુઝાવી અને બીજી મીણબત્તી શા માટે સળગાવી તેઓ સરદાર સમજી શક્યા નહીં. એક સરદારને બડી નમ્રતા સે હજરત અલી સે પૂછા. એક સરદારે નમ્રતાપૂર્વક હજરત અલીને પૂછ્યું. હજરત અલી બોલે. હજરત અલીએ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, અબ તક મેં રાજકાજ કા કામ કરતા થા ઇસલીએ રાજકી મોમબત્તી જલા રખી થી. અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો એટલા માટે મેં રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી હતી. અબ નિજી કામ શરૂ હુઆ હે. હવે મારું વ્યક્તિગત કામ શરૂ થયું છે. ઇસીલીએ મેને અપને મોમબત્તી જલા લી, નહીં તો મેં ચોર યા હરામખોર કહેલાતા. એટલા માટે મેં મારી મીણબત્તી સળગાવી છે, નહીંતર હું ચોર કે હરામખોર કહેવાઉં. હરેક આદમી કો ચોરી ઓર હરામખોરી સે બચકર ચલના ચાહીએ. દરેક વ્યક્તિએ ચોરી અને હરામખોરીથી બચીને રહેવું જોઈએ. ચાહે વહ અમીર હોયા ફકીર, પછી તે અમીર હોય કે ગરીબ. દેખને મેં તો યહ બાત બહુત છોટી સી લગતી હૈ, પર હે બડે મહત્વ કી. જોવામાં આ વાત ખૂબ જ નાની લાગે છે, પરંતુ છે ખૂબ જ મહત્વની. અબ હમ આઝાદ હો ગયે હૈ. હવે આપણે આઝાદ અથવા સ્વતંત્ર થઈ ગયા છીએ. રાજકાજ કા કામ તભી અચ્છી તરહ સે ચલ સકતા હૈ જબ લોગો મેં ઇસ તરહ કી પ્રામાણિકતા હો. રાજ્યનું કામ
त्यारे ज सारी रीते चाली शके छे ज्यारे लोकोमां आ प्रकारनी प्रामाणिकता होय। हमारे पुरखों ने कहा है, अपना पूर्वजों कहू छे के मां गृदह कस्य स्विद धनम, जिसका अर्थ है किसी के धन माल की लालसा मत करो, कोई ना पण धन नी लालच करीश नहीं। यह मनुष्य के लिए सबसे